टकरा करके वापस आना ही प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन के दोनों नियम हमने पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। ये जो दो परावर्तन के जो है नियम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में, जो यहाँ पर गोलीय दर्पण जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर ऐसा दर्पण जो हमने अभी परावर्तन की प्रक्रिया पढ़ी वो सभी दर्पण के लिए लागू होती, चाहे वो समतल दर्पण हो ठीक है या साधारण दर्पण हो जिसको हम लोग जिसके चेहरा देखते हैं। और लेकिन गोली दर्पण की बात हो रही है तो गोली से मतलब है कि वो दर्पण जो किसी गोले का एक भाग होगा ठीक है, काट करके उसको बनाया गया होगा, उसका जो पृष्ठ होगा वो वक्रित होगा या मुड़ा हुआ होगा ठीक। तो मेरे हाथ में देखिए ये दो ये हम लोगों ने पढ़ा भी था इसमें कि दो तरीके के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ठीक है। तो उसे उभरा उसे तल जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, तो ये उभरा हुआ है यहाँ पर एक मेरे सामने देखिए ये दिख रहा है दर्पण, ये इसमें जो है जो भी हमारी इमेज बनेगी वो वास्तविक जैसे जो जितना हमारा साइज है, साधारण दर्पण में क्या होता है कि जितना हम हैं उतना ही हमारी इमेज बनती है उसी आकार की उतनी ही साइज की, मगर जब उत्तल दर्पण लेंगे तो उसमें जो है आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा दिखाई देगा ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसकी सतह देखिए ये थोड़ी उभरी हुई है, ये अंदर से जो है जिधर कलाई की हुई है, कलाई किया वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका वो थोड़ा सा गहरा है, और यहाँ से ये आप ऐसे देखेंगे तो ये उभरा हुआ है। वो देख किसी को देखना है टच करके आओ, इसको देखना हो जल्दी से आओ 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 दीक्षा, देखो इसको टच करो, देखो कैसा है ये, साधारण दर्पण जैसा है कि उभरा हुआ है, अंदर समझ में आ रहा है हाँ, चेहरा देखो उसमें कैसा दिख रहा तुम्हें नहीं तो ये जो आभासी तो दिख रहा है क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है ठीक है, लेकिन इसमें चेहरा साइज क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये उभरा है ठीक है, उभार की तरफ से हम देख रहे हैं तो ये कौन सा मिरर हो गया, उत्तल दर्पण ठीक है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है इंग्लिश में। और यहाँ पर एक और दर्पण मेरे पास में है, ये है आपका अवतल दर्पण ठीक है, ये अवतल दर्पण है, सब देखिए सब लोग यहाँ पर जो है ये जो दर्पण है ये आप ऐसे छू के देखेंगे तो इसका उभार वाला हिस्सा ये है ठीक है, और यहाँ पर ये गहरा वाला हिस्सा है ये गुफा के टाइप का है, कॉनकेव मिरर कहलाता है ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें देखो दिख रहा है तुम्हारा चेहरा, हाँ दिख रहा है देखो, नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, एक निश्चित दूरी पे जब इसको आप बिल्कुल एकदम पास लेके जाएंगे तब आपका चेहरा इसमें दिखाई देगा ठीक है। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो अलग अलग है, अब उसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आज हम पढ़ेंगे ठीक है। देख लिया सबने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, भूलेगा तो नहीं, उसे उभरा उभरा तरफ अगर है हम खड़े हैं और दिख रहा है हमें उभार की तरफ से तो इसका मतलब है वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और कॉनकेव मिरर यानी जो गुफा के जैसा है जो थोड़ा दबा हुआ है वो कौन सा कहलाएगा आपका, अवतल दर्पण ठीक है। इसका चित्र जो है हमने देखा था इसमें ये बुक में देखो गलत बना हुआ है, ये तो आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, गुफा की तरह है ना इसका वो, और ये यहाँ पर इसमें जो आपकी पॉलिश होगी ये जो पॉलिश जो बनी हुई है वो इस तरफ होगी ठीक है। तो ये बुक में इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे खड़े होंगे ये उभरा है उसे उभरा यहाँ खड़े होंगे प्रतिबिंब हमारा जो है यहाँ पर बनेगा, समझ में आया। तो ये हमने दो दर्पण पढ़े थे और यहाँ पर हमने जो प्रकाश की किरणें जो है चलती है उसमें जो है किस तरीके से वो किरणें कहाँ पर आती है, कहाँ टकराने का कहाँ मुड़ती है उसके हमने नियम भी पढ़े थे। तो यहाँ पर हमने चार नियम पढ़े थे कि जो यहाँ पर हमने अगर सारे बिंदु हमने पढ़े थे किसको क्या बोला जाएगा, कौन सा मुख अक्ष है, कौन सा ध्रुव है, कौन सा वक्रता केंद्र है ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस बिंदु कौन सा है, ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसके नियम
भी हमने वैसे पढ़ लिए थे कि मुख पक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आ रही है तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से फोकस के जाएगी। पहला नियम क्या था, मुख पक्ष के अगर समानांतर कोई किरण आ रही है तो वो है ये गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनेगा उसके बारे में है। तो यहाँ पर जो है केंद्र से होकर के आ रही है तो वो उसी दिशा में वापस जाएगी, ये नियम है। नियम जैसे नहीं है तो मैथ्स में रूल्स होते हैं, उसी तरीके से इसके भी नियम है। जहाँ पर भी कोई भी वस्तु रखी है या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब याद करना कहाँ बनेगा, तो उसके लिए हमको वही इन्हीं नियम को फॉलो करना होगा। और यहाँ पर एक नियम हमने ये भी पढ़ा था कि जो कि हमारा परावर्तन का नियम ही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमने चार चीजें पढ़ी। पहला क्या था कि मुख पक्ष की कोई समानांतर किरण आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, इसी का अपोजिट है दूसरा नियम, अगर कोई किरण फोकस से होके आ रही है तो मुख पक्ष के समानांतर चली जाएगी। तीसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से आ रही है तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। चौथा आपका ये हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पढ़ेंगे वह है आपका प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ देखिए एक सारणी बनी हुई है, तो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जो आपको दिख रही है जैसे ये जो अवतल दर्पण के द्वारा कैसे कोई प्रतिबिंब बनेगा, उसकी वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ कहाँ पर बनेगा। ये जो टेबल बनी है इसे हम चेक करेंगे क्या वही वो बन रहा है कि नहीं, तो सब एक एक स्थिति को हम लेकर के चलते हैं। चलिए तो जो पहली स्थिति है हमारी, अगर वस्तु जो है ध्यान से समझिएगा इसको और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप जो है उनको बना सकते हैं, अपने आप आपको बन जाएगा। सबसे पहली स्थिति क्या है, चाहे वो हम उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, सबके लिए जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अवतल दर्पण है ठीक, सबसे पहले हमने क्या बना लिया है अवतल दर्पण, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, इस स्थिति को इसको और हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर वस्तु जो है यहाँ डैश डैश का क्या मतलब हुआ कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है ना, यानी मान लो बहुत दूर है, बहुत दूर है, जैसे सूर्य बहुत दूर है ठीक है, कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पे है तो उसको हम मान के चलते हैं कि वो अनंत पे है। अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में। सबसे पहले हमें नियम सारी बात तो पता है, कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो जो है किरण की जरूरत पड़ेगी या दो जो है किरणों जब मिलेंगी जहाँ पर कट रही होंगी तो उसी से हमें बिंब का आभास होगा कि वो कहाँ पे बनेगा या पता चलेगा कि कहाँ पर जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब अनंत से किरणें हैं तो आपको पता है कि किरणें आएंगी ठीक है, इसके मुख पक्ष के समानांतर पहले आपको ये पूरा चित्र बना लेना है, आपको अवतल दर्पण बना लेना है, ये कलाई कर लेना है, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका पी बिंदु होगा जिसको क्या कहा जाता है, गोल या ध्रुव कहा जाता है। उसका जो है चित्र जब भी बनाएंगे ऐसे खाली खींचना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको चित्र जब भी बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको प्रकार लेना है ठीक है, क्या लेना है प्रकार, कोई लिया है अभी, दो जल्दी तुरंत दो, हाँ देखो ये प्रकार लेना है इस तरीके से ठीक है, ये प्रकार आपको दिख रहा होगा। अब इस पे आपको पेंसिल फंसा करके जो है और आपको जो है क्या करना है, नोक रखनी है कहीं पे भी पेपर पे, आपको जहाँ पे बनाना है नोक रखनी है और उसके बाद जो है एक चाप लगाना है, सिर्फ चाप, ये देखिए आप चाप लगा हुआ है, समझ आ रहा है। अब चाप आपने लगा दिया और लगाने के बाद जो है जहाँ पर ये जहाँ आपने नोक रखी है वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वक्रता केंद्र ठीक है। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, अब ये जो आपने ये बनाया है ठीक, उसका मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ का बीच जो आपने जो चाप काटा है वो जो है मिड पॉइंट इसका जो हो जाएगा ध्रुव हो गया, इससे ताकि की जो रेखा होगी क्या होगी आपकी मुक्त अक्ष होगी ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है इतना हमने बना लिया, यहाँ कलाई वाला हिस्सा कर देना,
होता है, डॉट 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 जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे थोड़ी थोड़ी लाइनें बना करके कलाई का हिस्सा बना रहे हैं, इतना बन गया। इसके बाद वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर वस्तु है तो हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर के जाएंगी, ठीक है, ये पता है। और दूसरी चीज जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जो है वो कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। दूसरा चीज जो है हमने एक मुख अक्ष ऊपर की तरफ बनाया और दूसरा दूसरा जो है मुख अक्ष के समानांतर किरण नीचे की तरफ बनाया और फोकस की तरफ जो है हमने जो है उसको गुजार दिया, ठीक, सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो किरणें आ रही हैं वस्तु कोई दूर है तो उसकी जो किरणें आ रही हैं वो समानांतर लगभग लगभग होगी। तो ये देखिए मुख अक्ष की समानांतर किरणें आई और यहाँ से जो है फोकस से होकर के जाए से होकर के गुजर रही है, तब इसका प्रतिबिंब जो है जहाँ पर कटान बिंदु है वहीं पर बनेगा। कटान कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे आ रहा है, यानी कि फोकस पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अवतल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं कि ये अवतल दर्पण है, ठीक, अब यहाँ तो कोई लाइट है नहीं, नहीं तो ऐसे अगर आप बाहर भी घर में अगर आपके पास है तो उसको देखेंगे, सूर्य की रोशनी जैसे मान लो आ रही है, कोई बल्ब की रोशनी आ रही है, तो उसको जब आप देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो एकदम यहाँ ऐसे छोटा मतलब एक उसका स्पॉट टाइप का बनेगा। सूर्य तो बड़ा है, कोई वस्तु बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है, फोकस हो जाएगा, बिंदु टाइप का उसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। अब इसके लिए जैसे अब ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप टॉर्च लेते हैं, ठीक है, उसमें प्रकाश तो ऐसे जाता है ना, लेकिन जब टॉर्च के उसका जब आप दूर में जाएंगे या जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा सॉरी अनंत मतलब दूर से अगर बहुत दूर से आप बना रहे होंगे तो उसका जो बिंब बनेगा भी गोला टाइप का स्पॉट टाइप का जो है वो बनता है दीवार में, छोटा जो है स्पॉट दिखेगा। तो यहाँ पर अनंत पर है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आया कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और वस्तु अनंत से आ रहा है किरण, तो इसका मतलब है वस्तु आकार जो है जो भी है उससे बहुत छोटा बिंदु टाइप के आकार का बन रहा है, यानी उसका आकार कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है कि इतना बहुत बड़ा सा है, कुछ ऐसा साइज तो दिख नहीं रहा है, बिंदु जैसा दिख रहा है, यानी अत्यधिक छोटा उसका आकार बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इसकी मिरर जो है वो कहाँ बन रही है, ये जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब यहाँ उल्टा है ये समझ में नहीं आ रहा है, मगर वास्तव में इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसे बनता है हम एक आध और कोई देखेंगे और पर्टिकुलर कहाँ पे अगर वस्तु रखी हुई है तब उसे समझ में आएगा। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका जो इमेज जो है वो आपको शीशे के अंदर नहीं दिखाई देगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी इमेज शीशे के अंदर नहीं दिखाई दे रही, शीशे के अंदर दिख रही है तो मतलब वो आभासी हो जाएगा। जैसे हमारी फोटो या हमारा चेहरा अगर शीशे में दिख रहा है तो आभासी होगा, अगर वो दिख नहीं रहा है यानी कि वो वास्तविक है, उसकी इमेज यही बाहर कहीं जब आप दिखाएंगे या जब आप देखेंगे तो उसकी इमेज इसी तरफ, जैसे मान लो हमने ये चीज वो वस्तु ये है दर्पण, ठीक है, तो उसकी इमेज कहीं आपको बाहर यानी इसी तरफ मिलेगी, ये जो मिरर है उसके इसी तरफ मिलेगी इमेज, ठीक। तो यानी क्या होगा, वास्तविक बनेगा एकदम बिंदु के आकार का यानी बस छोटा बनेगा और उल्टा। अब यहाँ पर चूंकि बिंदु के आकार का बन रहा है तो उल्टा नहीं समझ में आ रहा है, मगर और दूसरे इसको देखेंगे तो वो उल्टा ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर पहले से समझ में आ गई,